का और एक जो मेन इशू है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओडोमीटर गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर टाइम माइलेज के लिए ये बाइक सोच रहे थे एकदम ही मत। हेलो गाइस, वेलकम टू द फास्ट व्हील्स। आज का वीडियो होगा ये पीछे जो बाइक आप देख रहे हैं जावा वावर 42। ये वाला बाइक अभी फिलहाल 6 मंथ से चल रहा है। यहाँ पर मेरा हाथ में 5 उंगलियाँ 6 नहीं दिखा पाया। तो 6 मंथ्स के बाद इसका ओनर इसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस किया है वो आज आपके साथ शेयर करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओनर मेरा ही दोस्त है, आपको कभी भी उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मिल सकता है या तो मैं कॉमेंट सेक्शन में भी बताने का कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम मैं जल्दी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिएगा क्योंकि वीडियो आता रहता है, आपको नहीं तो मिस हो जाएगा। और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए अभी मैं मेन पॉइंट में आता हूँ। ये है राहुल, यही है इस बाइक का ओनर। अब ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी हमारे पास माइक नहीं है तो हो सकता है उसका वॉइस थोड़ा। आज ये आपके साथ उसका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है। थोड़ा सा हवा का साउंड शायद आ सकता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं है। तो अभी तुम बताओ कि 6 महीना चलाने के बाद तुमको कैसा लग रहा है बाइक? गाड़ी चलाने में जैसे स्टार्टिंग में था वैसा ही एक्सपीरियंस अच्छा ही है। मतलब इसका अटेंशन बहुत ज्यादा ही मिलता है गाड़ी चलाने से। और इसका माइलेज का थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम लगता है कि मतलब माइलेज का इशू रहता है। हाँ, माइलेज का इशू है। कितना माइलेज आता है एवरेजली? हम बोले तो 18 to 20 मैक्स टू मैक्स। 18-20 मैक्स? हाँ, 20 मैक्स। लोकल में बोल रहे हैं? हाँ, लोकल में मोस्ट ऑफ मेरा चलता है, हाईवे में उतना चलता नहीं है। हाईवे में चलाएंगे तो मिनिमम 26 हमको मिल जाता है, लेकिन उतना चलता नहीं है मेरा। अच्छा, 6 महीने में मेरा टोटल 88 किलोमीटर चला है। अच्छा अच्छा, उसके बाद मेरा सर्विसिंग हुआ। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि अगर माइलेज का आपका प्रॉब्लम हो तो ये वाला बाइक शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर माइलेज का फिक्र नहीं है, अगर आप लुक्स के हिसाब से बाइक चाह रहे हैं, बॉबल लुक्स में एक काफ़ी अच्छा दिखने में है ये वाला बाइक, तब आप इसको कॉन्सिडर कर सकते हैं। लेकिन माइलेज आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बहुत अच्छा है, मतलब अभी तक का हमको चलाने में कोई ऐसा दिक्कत आया नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और ऊपर से रिफाइनमेंट कैसा है? रिफाइनमेंट जैसा स्टार्टिंग में लिए थे अभी तक वैसा ही है, कुछ अभी कोई कम ऐसा लगा नहीं है। अच्छा, तो कितना तुम्हारा यहाँ पर मतलब महीना बीत गया? 6 महीने ना? हाँ, कितना? 6 मंथ ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, तो उसके बाद मेरा ये सर्विसिंग भी हुआ 14-15 दिन पहले। कितना टोटल हुआ अभी तक मेरा किलोमीटर? ये 1800 किलोमीटर। माइलेज के लिए ये बाइक सोच रहे थे एकदम ही मत लीजिए, ये गाड़ी माइलेज के लिए है ही नहीं। मार्केट में और भी गाड़ी है जो माइलेज कम देता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसका पावर फिगर देखेंगे तो उस हिसाब से माइलेज ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी मत करिए, क्योंकि इसका जितना सीसी का है आपको ऑलरेडी स्क्रीन में दिख रहा होगा पावर फिगर टॉर्क जो है, तो उतना सीसी में उतना पावर में आपको अगर पावर चाहिए तो तेल भी ज्यादा देना ही पड़ेगा, वो बात तो है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं KTM है, उसका भी माइलेज अच्छा नहीं होता है। तो बीच भी बढ़ेगा गाड़ी का तो माइलेज घटेगा, ऊपर से गाड़ी का वेट भी डिपेंड करता है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ही तेल खाता है, हो सकता है इसका वेट के लिए भी, तो वो अलग बात है। 18 से लोकल में चलाने से ही ज्यादा इसका माइलेज का ड्रॉप होता है, क्योंकि क्लच जितना दबाएंगे उतना माइलेज ड्रॉप होगा। वो तो है। और आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कोई अच्छा या तो बुरा, और कुछ खराब लगता है क्या? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि खरीदने के बाद सबको पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, हम लॉन्ग टूर में अभी तक गए नहीं, अगर जाते तब पता चलता कि उसमें और क्या क्या दिक्कत दे रहा है। लेकिन ऐसे हम नॉर्मली 50-60 किलोमीटर कॉन्स्टेंटली अप डाउन किए तो उसमें हमको उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो गया, बारिश आ गया था अचानक से, लेकिन बारिश कम भी हो गया है। तो गाड़ी के बारे में आपको मेनली जो नेगेटिव पॉइंट अभी तक आपको सुनने मिला होगा वो है इसका सिर्फ माइलेज और थोड़ा सा हेवी वेट। वो अगर आप नेगेटिव मान भी सकते हैं, नहीं मान भी सकते, लेकिन इसका एक अच्छा चीज है कि इसका जो अच्छा, हाँ, गाड़ी स्टेबल है और सीट हाइट भी लो है, तो आपको कंट्रोल करने में या तो अगर चलाने में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है अगर हेवी है। इसका सीट हाइट इसलिए लो है इसलिए आपको मतलब क्या बोले, लोकल एरिया में आपको चढ़ने में उतरने में दिक्कत नहीं होता। और वेट ज्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैर आपको अच्छे से दोनों पैर ही चला जाता है। एक बार बिठा के दिखा, बैठ के दिखाओ। मेरा ऐसे हाइट 5 feet 4 है। 5 feet 4 या 5 ऐसा कुछ है इनको, तो आप देख सकते हैं 5 feet 4-5 inch में आप ऐसा इसको बैठ सकते हैं। पूरा दोनों पैर ही इसका अंदर नीचे जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है, आपको गाड़ी कंट्रोल करने में सुविधा होगा। एनी बडी मेंबर
रहता है, स्लो स्पीड में दिक्कत नहीं होता क्योंकि आप कभी भी पैर ट्रैफिक में हीटिंग का एक प्रॉब्लम होगा, ओवरहीट का, ओवरहीट का एक होता है इसका जो बेसिकली इसका जो इंजन बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है तो उसमें हीटिंग का एक इशू है। अच्छा, इसका जो रेडिएटर है उसका हवा तो पीछे की तरफ पैर की तरफ मारता है। अच्छा, वही मेन एक हीटिंग का बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडिएटर का फैन ये चाबी के नीचे है यहाँ पर, तो ये वाला जब ठंडा करने के लिए जब हवा निकलता है यहाँ से तो इसका पास से आता है, ऊपर से आप देख सकते हैं इसका साइलेंसर भी एकदम पैर के बगल से जाएगा तो आपको हीट तो महसूस होगा, और ये गर्मी का मौसम में थोड़ा ज्यादा ही होता है तो हीटिंग इशू गाड़ी का भी है और आपको फील भी होगा अच्छे से, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसमें आपका दिक्कत नहीं है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर दिक्कत सिर्फ समर सीजन में करता है, विंटर में और दूसरे कम्फर्टेबल है। रेडिएटर ही जो चलता है उसमें हीटिंग का आता है, नॉर्मली इतना इंजन हीट नहीं करता है। और लॉन्ग टर्म का अगर ज्यादा चलाएंगे तो धीरे-धीरे हीट होगा, जैसे कि इसका भी हीट होता है, लेकिन मैं एक चीज देखा है कि पैर में उतना हीट आता नहीं है, सिर्फ आवाज आता है रेडिएटर फैन का, लेकिन इसका इंजन कंपार्टमेंट ज्यादा ओपन है। शॉर्ट गियर में चलाने में दिक्कत है कि एक दो गियर में अगर ज्यादा चलाएंगे तो इंजन जल्दी हीट होता है, अगर 3, 4, 5, 6 गियर में हम लोग ज्यादा चलाएंगे तो इसको उतना हीटिंग होता नहीं है। हाईवे में उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, लेकिन जितना हम देख रहे हैं कि लोकल में ज्यादा हमको हीटिंग का प्रॉब्लम देता है। और ब्रेकिंग वगैरह, ब्रेकिंग तो इसका बहुत अच्छा है, मैंने भी चलाया है, पीछे वाला ब्रेक बहुत अच्छा है, जनरली बाइक का फ्रंट ब्रेक ज्यादा अच्छा रहता है, मुझे इसका पीछे वाला ब्रेक ज्यादा अच्छा लगता है। अभी ठीक हो गया है, एकदम सही है। हाँ, वो एक दो सर्विसिंग के बाद शायद ठीक कर देता है। और ऐसे ब्रेक पैक थोड़ा सा घिसता है तो जितना ब्रेक पैक घिसते-घिसते वो एडजस्ट होता है, कंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा, और इसका जो स्विच गियर से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें इंफॉर्मेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ओवरऑल जो नॉर्मल दिखना चाहिए सब चीजें दे देता है। जैसे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओडोमीटर, गियर, पोजीशनिंग इंडिकेटर, टाइम, स्पीड और आरपीएम मीटर, जनरली क्रूजर बाइक में ऐसा आरपीएम मीटर और स्पीडोमीटर दोनों देता नहीं है, लेकिन इसमें दोनों ही मिलता है, ये काफी अच्छा चीज है। तो यहाँ पर स्विचेस दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप ट्रिप में जा सकते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप ए भी होता है, ये एम से, और ऊपर से यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये एस में भी अलग काम है, लेकिन अभी फिलहाल उतना डिटेल नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो इसके ऊपर नहीं है, अगर आपको चाहिए तो हम डेडिकेटेड वीडियो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बटन के ऊपर कर देंगे, लेकिन एक बेसिक चीज मैं दिखा देता हूँ, मोबाइल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेटअप में इसका एलईडी हेडलाइट आता है, जो नीचे वाला अभी है ये लो बीम में है, हाई बीम ऑन करेंगे तो ऊपर वाला ऑन होगा, आप यहीं से हाई बीम कर सकते हैं, जैसे कि इसको दबाएंगे तो ये पास लाइट और आगे करेंगे तो हाई बीम, आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी अभी ऑन नहीं है इसलिए अभी भैया ऑन कर देंगे तो आपको दिखाई देगा, ये इसका हाई बीम, अभी लो बीम करो, एक जो मेन इशू है जिस गाड़ी इतना प्रीमियम होके भी इसमें प्रीमियमनेस नहीं है, जो इसका हेडलाइट है, इसका हेडलाइट में कुछ नहीं दिखता है, रात को एकदम ही कुछ नहीं दिखता है इसका, हमको जैसे चलाने में इतना दिक्कत होता है इसलिए हम इसका जो इंडिकेटर लाइट है उसको जला के हम देखते हैं, इंडिकेटर में तो उतना लाइट नहीं होगा लेकिन फिर भी उसमें जो ग्लेयर मिलता है उससे ज्यादा ग्लेयर मिलता है। अच्छा, इसका जो हेडलाइट है एलईडी सेटअप दिया है लेकिन एलईडी का मतलब बहुत कमी है इसका, तो साइड में थोड़ा सा फॉग लाइट लगा के चलने से सुविधा होगा, लाइट लगाना ही पड़ेगा या हेडलाइट भी चेंज करना पड़ेगा, इसका एक बड़ा मेन इशू ये गाड़ी का वही है। हम महीने सोच रहे कि इसमें लाइट लगा लेंगे, वो तो सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए, लेकिन रात को अगर कहीं जाएंगे बाय चांस में पूरा ब्लाइंड हो जाता है कि कुछ नहीं दिखता है तब तो ठीक नहीं है, ये थोड़ा आपको तब ये नोटिस करना पड़ेगा कि हेडलाइट का इश्यू है, हम लोग ये बार बार बताते रहते हैं कि इसको कुछ चेंज करवाइए, कंपनी अगर अपग्रेड करेगा उसमें आ जाएगा अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो अपडेट नहीं हुआ है तो होगा नहीं, इसलिए हाँ तो आपको अगर अभी इस वक्त 2024 का जुलाई महीने में ये वीडियो हो रहा है, इस वक्त आपको खरीदना है तो आपको थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा कि हेडलाइट का लाइट ठीक नहीं है, आपको अलग से फॉग लाइट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, लेकिन कुछ लोग है उसमें आपको ये सब हाँ वो तो स्टॉक में ही चाहिए कुछ लोग को, तो वो तो नहीं मिल रहा है, वो ठीक चीज नहीं है, हेडलाइट एक बेसिक नीड है गाड़ी का, प्रैक्टिकलिटी नहीं है ये लाइट तो। हाँ तो अगर आप देखिए ये बाइक ऐसे भी प्रैक्टिकल है नहीं, सिंगल सीटर बाइक है, ये लोग जनरली लुक्स के लिए खरीदते हैं, और एक इंजन का परफॉर्मेंस जो है लगा लिए थे,
अच्छा हाँ, इसका सीट भी आप, एक मेरा वीडियो है ऑलरेडी आप देख सकते हैं, उसमें इसका सीट लगा हुआ था, उसका भी वीडियो है, लेकिन कोई कारण में भैया खोल दिए हैं, तो आप वो वीडियो जाके चेक कीजिएगा, उसमें प्राइस डिटेल्स कैसे लगता है सब दिखाया है, तो आप देख सकते हैं उसमें जाके। और लेकिन फिलहाल अभी ये गाड़ी में आपको अगर जो मेरा प्लस पॉइंट लगा है, भैया को भी अच्छा लगा है, वो है इसका पावर और ऊपर से लुक्स, आप सिर्फ यही दो इसमें मिलेगा। और ओवरऑल हाँ, स्टेबिलिटी भी ऑल्सो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी का अच्छा है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस का में एक नेगेटिव है, सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका माइलेज, सेकंड बड़ा नेगेटिव है हेडलाइट। तो नेगेटिव मैं इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि आदमी तो आज के डेट में कॉम्पिटिशन में बहुत सारा गाड़ी अच्छा निकलता है, लेकिन फिर भी नेगेटिव पता होना चाहिए, क्योंकि अब इसका प्राइस 2.8 लाख अराउंड जाता है, मतलब 3 लाख ही मान लीजिए, तो अगर आप ईएमआई में लेंगे तो और भी बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि गाड़ी में आपको क्या मिल रहा है इतना पैसा देने के बाद और क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छा है, अगर आपको हाईवे में क्रूज करना है हाई स्पीड में, मैं तो स्पीड के लिए बोलूंगा एक क्रूजर बाइक कंफर्टेबली ये आपको बहुत ही अच्छा मतलब पावर टू वेट रेशियो प्रोवाइड कर रहा है, माइलेज का थोड़ा खपत है लेकिन वो मैनेजेबल है, लेकिन हेडलाइट मैनेजेबल नहीं है, वो रात के लिए आपको दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो दिस इज बाइक नॉट फॉर यू। और अगर पैसे का भी अगर आप देखें तो उस हिसाब से प्राइस रेंज में मार्केट में और भी गाड़ी है अच्छा खासा, ये 3 लाख में बहुत अच्छा अच्छा गाड़ी मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरटीआर 310 जो है टीबीएस से आता है, और उस प्राइस रेंज में अभी तो बजाज का भी बहुत सारा ऑप्शंस है, लेकिन ये वीडियो उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर है। मैं एक बात में बोल सकता हूँ, गाड़ी बुरा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो अगर आपको प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। और वैसे भी अगर इसका जो दिक्कत का बात करें तो आप मतलब विथ टाइम हम लोग दिक्कत और अगर फेस करेंगे तो वीडियो आता रहेगा, और मैं इसका अभी 6 मंथ्स का किया हूँ, जब ये भैया ने परचेस किया था तब भी एक वीडियो किए थे, फर्स्ट सर्विसिंग का भी वीडियो है, 1 ईयर होगा तब भी आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको विथ टाइम देता रहूँगा। हो सकता है कि अगर 2 महीने में भी मैं एक और वीडियो लॉन्च कर दूँ, क्योंकि इसका अगर नेक्स्ट सर्विसिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन आया जो मुझे अपडेट करना चाहिए तो मैं कर दूंगा। इसमें जैसे मेरा फर्स्ट सर्विसिंग में मेरा इसका कॉस्टिंग आया था करीब 1700 के अराउंड, और इस सर्विस में मेरा जैसे अभी मोबिल नहीं चेंज करना हुआ क्योंकि मेरा किलोमीटर चला नहीं है 1800 किलोमीटर, तो कंपनी भी ये बात सुनता है कि उन लोग फोर्स नहीं करते कि इसको चेंज कर दीजिए, जैसे दूसरे कंपनी में हम देखे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देता है, तो हमको बोला आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग सिर्फ चेक करके भी दे सकते हैं, आपको गाड़ी में ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। तो मतलब सेकंड सर्विसिंग में तुमने मोबाइल चेंज नहीं किया, तो उसके हिसाब से कितना कॉस्ट? क्लीन एंड चेंज लियो भी करवाए, उसके लिए हमको 350 का। अच्छा अच्छा, मतलब वो तो छोड़ दो, सर्विसिंग में पकड़ भी नहीं सकते, तो नॉर्मली घर में हम लोग भी करते हैं, वही एक हमको पड़ा है। लेकिन ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जब फर्स्ट सर्विसिंग खत्म हो जाएगा तब कितना कॉस्ट आ सकता है? सर्विसिंग ये सब कॉस्ट आफ्टर प्री सर्विसिंग इसका कॉस्टिंग करीब 1000 रुपीज शायद लेबर कॉस्टिंग पड़ते हैं, उसके बाद मटेरियल अलग पड़ता है, तब उतना महंगा नहीं है, उतना महंगा नहीं, इसका सर्विसिंग बहुत ही मतलब ठीक ठाक है, गाड़ी जितना मैं सस्ता नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक है, गाड़ी जितना प्राइसी है उस हिसाब से ठीक ठाक है, इसका सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, मेंटेनेंस भी कम ही है। तो अभी इनका सिर्फ 2 ही फ्री सर्विस हुआ है और 2 होगा, एक्चुअली 1.5 साल का इसका फ्री सर्विस आता है, उसके बाद से जो है आपको कॉस्ट देना पड़ेगा 1000 रुपीज। मोबिल का कितना आता है अप्रोक्स? मोबिल जैसे कंपनी जावा का खुद का भी वो मोबिल डालता है, तो हम इसमें मोटल वाला जो 7100 समथिंग ऐसा कुछ मॉडल, वो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, उनको अभी फिलहाल याद नहीं है। मोटल का एक हम मॉडल जो कितना आता है 1400 अराउंड का, वो 1200-1400 अराउंड वाला हम डलवाते हैं। अच्छा, उसका मैं डिटेल ऑलरेडी दे दूंगा स्क्रीन में, 5000 किलोमीटर चलने के बाद आप मोबाइल चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तब ठीक है, वो तो आपका 5000 हर महीना में तो नहीं होगा, अगर किसी का होता है तो उनका अलग से लगेगा, अलग बात है। तो यही था गाड़ी के बारे में एक्सपीरियंस भैया का, आपने देख लिया 6 मंथ्स में भैया ने जो जो खराब फील किया वो भी बताया, जो अच्छा फील किया, एक्चुअली मैं भी इसको चलाया है तो मुझे भी जो जो अच्छा लगा है मैंने बताया, जो बुरा लगा है बताया, मुझे भी थोड़ा बहुत चलाने का एक्सपीरियंस है, आज भी मैं यहाँ पर चला के लाया हूँ इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।